तो आज की जो वैकेंसी है आप लोगों के लिए टाटा की तरफ से आ रही है। गाइस ये जो TCS है, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, ये टाटा का ही ग्रुप है, मिशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी है। लोग यहाँ पर इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, मतलब ऑल इंडिया आप लोग कहीं से भी बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है, साथ ही देखिए कौन का क्वालिफिकेशन रहेगा। क्वालिफिकेशन में अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप लोग एलिजिबल है, या फिर अगर आपने मतलब यहाँ पर बीटेक किया है या फिर यहाँ पर बीई किया है, गाइस यहाँ पर बीई वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल है, या फिर अगर कोई ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन ग्रेजुएट है तो भी एलिजिबल है। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रेशर एलिजिबल है, फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है। तो इस फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप 2022 के कैंडिडेट हैं, मतलब 2022 में आप लोग पास आउट होने वाले हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप 2021 के पास आउट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 21 यहाँ पर 22 से लेके गए 17 तक के जो स्टूडेंट है, 17 बैच के स्टूडेंट है, वो सभी यहाँ पर एलिजिबल है। गाइस यहाँ पर अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर, मैं लिंक दी गई है वहां से, तो गए जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने ये डायरेक्ट यहाँ पर जो है ओपन कर लिया है, क्योंकि गाइस आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, यहाँ पर इतनी ज्यादा वैकेंसी है कि मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुकी, काफी यहाँ पर टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूं, जिससे कि आप सभी यहाँ पर अप्लाई कर पाए। तो गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये देखिए टाटा पावर की तरफ जा रही है। अब यहाँ डायरेक्ट आप सर्च कर लिया है टाटा पावर, सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने काफी सारी वैकेंसी लाई है, यहाँ पर देख सकते हैं 12 से 18 के करीब आप लोगों की वैकेंसी है, अलग अलग ब्रांच, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे सबसे पहला क्वालिफिकेशन है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ये जो है मार्केटिंग में, बिजनेस में, तो जो हमारे मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कोर्स किए है या फिर अगर बीए वगैरह भी है तो आप लोग इसमें जा सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि ग्रेजुएट यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। अब किस ब्रांच से डिप्लोमा किया है ये देखिए, इसको देखिए ओपन कर लीजिए सबसे पहले, जिससे कि आप लोग इसके बारे में जान पाए। फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल है, तो यहाँ पर डिप्लोमा है आप लोगों का, टाटा पावर रहेगा कंपनी, टाटा पावर यहाँ पर रहने वाला है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस आप लोगों की ब्रांच आईटी रहनी चाहिए। उसके बाद आप लोग की लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 30 डेट दी गई है, 30 से पहले पर अप्लाई कर देंगे, साथ ही 0 ईयर एक्सपीरियंस आप लोग जिसे मांगा गया है इसके बारे में दिया गया है। और भी आप लोगों की काफी सारी वैकेंसी है, ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग फायर में दिया गया है, इसे भी ओपन करके देख लीजिए, जिससे कि आपको पूरी ब्रांच देखने के लिए मिल जाएगी एंड सेफ्टी, तो यहाँ पर दिया गया है, इसमें जाकर आप लोग अप्लाई कर दें। 0 ईयर एक्सपीरियंस है ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में, स्किल वगैरह के बारे में दिया गया है, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, यहाँ पर डिप्लोमा रहेगी, फायर एंड सेफ्टी में कर रखा है, बेनिफिट्स दे रखे हैं, जर्नी वगैरह दिया गया है, और लास्ट डेट गाइस आप लोगों की 30 है, 30 जून से पहले पहले अप्लाई कर दें, और गाइस आप लोगों को जरूर अप्लाई कर देना है। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल वाले एलिजिबल है, इस वैकेंसी के लिए मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए मैकेनिकल में RAC है, प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है, सभी एलिजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की पोस्ट दिया गया है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले एलिजिबल है। अब ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए दिया गया है गाइस, तो सभी के लिए मैंने पहले बता दिया, सभी ब्रांच के लिए 1x1 यहाँ पर वैकेंसी है। साथ ही डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट है, अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट फील्ड में है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, तो आप लोगों की इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट फील्ड में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में रिलेवेंट फील्ड में है, तो आप लोग सभी में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और भी वैकेंसी दी गई है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सिविल वालों के लिए डिप्लोमा, सिविल वालों के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग है मार्केटिंग के क्षेत्र में, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग किया है यहाँ पर, ग्रेजुएट डी ग्रेजुएट वालों के लिए कंप्यूटर साइंस वाले हैं। देखिए यहाँ पर शो मोर भी कीजिए तो सारी आप लोगों को शो ग्रेजुएट वालों की, तो देख सकते हैं जैसे ग्रेजुएट की यहाँ पर है फायर एंड सेफ्टी में, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है ग्रेजुएट वालों की, ये डिप्लोमा वालों के लिए है इन्वायरमेंटल में, इन्वायरमेंटल भी एक ब्रांच होता है आप लोग का उससे किए है, या फिर आप लोग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में,
यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज जो आप लोग का डिपार्टमेंट है इसमें किए हैं कोई भी क्वालिफिकेशन तो आप लोग एलिजिबल है। इसको ओपन करके देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबल है। यहाँ पे ग्रेजुएट एलिजिबल है और देखिए यहाँ आप लोग की जूनियर एग्जीक्यूटिव भी है। अब अप्लाई किस तरीके से करना है वो जान लीजिए। जैसे यहाँ पर अप्लाई पे जाएंगे, अप्लाई करना है सबसे पहले आप लोगों को इस वाले यहाँ से क्लिक करके इसका मेन नोटिफिकेशन और ऑन करना है। ठीक है, ये मेन नोटिफिकेशन ओपन करना है आप लोग कर लेंगे। उसके बाद जो मेन यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई करने का साइन है, अप्लाई यहाँ से करना है। अब अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को दो प्रोसेस अपनाने होंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड। अब ईमेल आईडी पासवर्ड वो भी डाल सकते हैं जो आप लोगों ने पहले लॉग इन किया है वो डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड कर देना तो यहाँ पर ओटीपी पहुंच जाएगा उस ईमेल पे, उसके बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू यूजर है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन होगा छोटा सा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ आप लोगों के सामने देख रहा है फुल, यहाँ पर फुल नेम अपना नेम डाल देना, ईमेल आईडी डाल देना, पासवर्ड डाल लेना और कन्फर्म पासवर्ड। कन्फर्म पासवर्ड डालने के बाद फोन नंबर डाला जाएगा, जो है नाम लिख देना है, यहाँ पर ईमेल आईडी कैप्चर भर देना है। इसे भरने के बाद क्रिएट अकाउंट इन करेंगे, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया वहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, तुरंत आप लोग का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहां से जाकर अप्लाई कर देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँच चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, लाइक के साथ साथ एक प्यारा सा कॉमेंट भी आप लोग नीचे छोड़ सकते हैं हमारे, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।